नमस्कार। दो बार दौरा रद्द होने के बाद और कोविड का शिकार होने के बाद भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर पधारे हैं और उनका स्वागत हुआ गांधी के राज्य गुजरात में। जी हाँ, जहां पहले से ही पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों नेता यूके और भारत की राजनीति, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर दोनों ने बातचीत की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में आकर सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने देखे चरखा भी चलाया। खबरों की माने तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत को रूसी तेल और रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने को कहे और इसके साथ ही साथ बोरिस गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया उन्होंने, जहां वो एक ब्रिटिश फार्म द्वारा खोले जा रहे नए कारखाने का दौरा किया उन्होंने और विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में निवेश और सहयोग की भी घोषणा की। तो ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन देखे बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। वो नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे और दोनों पीएम के बीच देखे सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक मामलों पर विशेषकर बातचीत होने की पूरी संभावना है। जानकारों की माने तो करीब 1 बिलियन पाउंड की डील होने की बात कही जा रही है। दोनों देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बड़ी भागीदारी तय कर सकते हैं और देखना डिजिटल हेल्थ भी बातचीत का एक बड़ा विषय है। भारत ब्रिटेन के लिए अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयास करेगा और ब्रिटेन शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग देने का इच्छुक है। और इसके साथ ही साथ देखिए एक बड़ी घटना ये घटी कि जब बोरिस जॉनसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ऐसी बात बोली कि मोदी खिलखिलाकर हंसते। जी हाँ, आप बोरिस जॉनसन की ये बात सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई जस्ट वांट टू से व्हाट अ प्लेजर इट इज टू बी हियर इन दिल्ली दिस मॉर्निंग विद माय फ्रेंड Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome that you've given us, Narendra. This is, I think, a very auspicious moment in a relationship and a friendship between two democracies, the world's largest democracy in India, the UK, one of the world's oldest democracies, and I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception that you've given us. And it was amazing. I want to say particularly to the people of Gujarat. We had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world, but it was absolutely fantastic to come and see your own home state for the first time. So thank you all very much. Thank you. तो सुन लिया आपने कि क्या बोरिस जॉनसन ने गुजरात के बारे में की, क्या बात की उन्होंने गुजरात के बारे में, और मोदी भी देखे इसको लेकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो इसके साथ ही साथ देखे गुजरात में बोरिस जॉनसन अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे और उन्होंने वहां दर्शन किए। और उसके बाद बोरिस जॉनसन दिल्ली पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन में जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। आप ये वीडियो देखिए।
आप समझ सकते हैं कि कैसे ब्रिटेन और भारत के रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं।